देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। वो 11 नवंबर को पद संभालेंगे। वो देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका ऐलान किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने निवर्तमान CJI को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 2 साल के कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ लेने के एक दिन पहले DY चंद्रचूड़ 65 साल की आयु खत्म करते हुए अपना कार्यकाल खत्म करेंगे। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को CJI के रूप में पदभार संभाला था। CJI के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल करीब 6 महीने का होगा और वो 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न है। खैर, अब हर किसी को देश के अगले CJI के बारे में जानना है। आखिर कौन है संजीव खन्ना? उनका CJI बनने का सफर कहां शुरू हुआ? सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वो करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे। जस्टिस संजीव खन्ना की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन किया था। शुरुआत में दिल्ली के 30,000 परिसर में जिला कोर्ट में और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और संवैधानिक कानून प्रत्यक्ष कराधान मध्यस्थता जैसे ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस की। इसके बाद उन्हें 2004 में दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। वो दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरी भी रहे। 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट एडिशनल जज बनाए गए और 2006 में परमानेंट जज बनाए गए। 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस खन्ना को प्रमोशन मिला। वो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर भी रहे। फिलहाल संजीव खन्ना राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, जबकि हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में पदमुक्त हो जाते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहा था। ये एक परंपरा है, जिसके बाद चंद्रचूड़ ने सरकार के सामने जस्टिस खन्ना का नाम पेश किया था। वो चंद्रचूड़ के बाद सीनियोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। हालांकि 2025 मई में उनका रिटायरमेंट है, इसीलिए अब 6 महीने के लिए ही संजीव खन्ना CJI पद पर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।